नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। विरोध का सिलसिला लगातार जारी है। जी हाँ, विपक्ष सड़क पर उतरा हुआ है। तमाम विपक्ष के लोग जो नेता हैं वो सड़क पर उतरे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क पर उग्र विरोध देखने को मिल रहा है। बिहार की तमाम जगहों की खबरें हम आपको बारी बारी से दिखा रहे हैं। तमाम जिलों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप देख रहे होंगे। और इस बीच पटना की खबर आपको हम बताते हैं। पटना के नंदलाल छपरा जो बाईपास है, पटना के बाईपास पर भी जबरदस्त हंगामा हुआ है। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। इस बीच रामविलास पासवान, जी हां, रामविलास पासवान जो दिवंगत नेता हैं, एलजेपी के संस्थापक हैं, और रामविलास पासवान के दामाद और चिराग पासवान जो एलजेपी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, उनके जीजा जो है सड़क पर उतरे हैं तेजस्वी यादव के समर्थन में। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं साधु पासवान की। वो सड़क पर उतरे हैं, आरजेडी नेता हैं, आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। तो चिराग पासवान के जीजा ने भी सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है तेजस्वी यादव के समर्थन में। तो ये आरजेडी का जबरदस्त उग्र विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है पूरे बिहार में। और पटना की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से आरजेडी के तमाम दिग्गज नेता भी सड़क पर उतरे हैं। आरजेडी के साधु पासवान के अलावे और भी कई जो दिग्गज नेता हैं आरजेडी के, वो उतरे हुए हैं सड़क पर। आप देख सकते हैं प्रदर्शन हो रहा है। ये नंदलाल छपरा की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो बाईपास पटना का बाईपास क्षेत्र इलाका है, जहां पर जाम किया गया है सड़क को। पटना सिटी का जो बाईपास इलाका है, वहां पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है, बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। और कहा गया है कि ये काला कानून, दरअसल जो आज विरोध प्रदर्शन है कई विषयों पर बुलाया गया है। किसानों का मुद्दा हो, किसान बिल जो है उसके खिलाफ भी है, युवाओं के रोजगार के लिए भी है, महंगाई के विरोध में भी है, और साथ ही साथ जो बिहार में जो कुछ हुआ सदन के अंदर, बिहार विधानसभा के अंदर जिस तरह से विपक्षी विधायकों की पिटाई की गई, उसके खिलाफ भी आज बंद है। तो जबरदस्त उग्र विरोध है, कई सारे विषय हैं विपक्ष के पास विरोध के लिए, सरकार का खिलाफ जो है जमकर विरोध हो रहा है। तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, और पटना की नंदलाल छपरा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर खुद आरजेडी के दिग्गज नेता उतरे हुए हैं, चाहे वो आरजेडी के विजय प्रकाश हों या फिर जो साधु पासवान हैं जो चिराग पासवान के जीजा हैं और आरजेडी के दिग्गज नेताओं में शुमार हैं, तो वो खुद सड़क पर उतरे हैं। आप तस्वीरों में देखिए और क्या कुछ बयान दे रहे हैं, ये भी सुनिए आप। हम लोगों ने जो है बेरोजगारी के सवाल को लेकर, शिक्षा के सवाल को लेकर, तमाम तरह के सवालों को लेकर हम लोगों ने बंद का आह्वान किया था। उस पर जिस तरह से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की गई और हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता घायल हुए, एक कार्यकर्ता हमारे मरने के आरोप प्रांत में है, और साथ साथ विधानसभा में जिस तरह से नंगा नाच नाचा गया, महिलाओं का सिर हरण किया गया, तमाम विधायकों को जो है घसीट घसीट के मारा गया, अंदर जो है सदन के प्रीमिसेस में जहां पुलिस को नहीं जाना चाहिए वहां भेजकर, और तमाम जो है विधायकों को थप्पड़ से, जूते से, बूट से रौंदने का जो काम किया है माननीय नीतीश कुमार जी, आपको निश्चित रूप से इसको जो है इसी के जो है विरोध में हम लोग तमाम आज बिहार बंद का आह्वान जो है हमारे नेता ने किया है। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव को जो हमला किया गया था, जानलेवा हमला, उसमें हम लोग जो है उनके साथ भाई विजय प्रकाश जी जो है मंत्री जी, अनवर आलम, तमाम जो है साधु जी, तमाम जो है इकबाल साहब, तमाम साथी वहाँ उपस्थित थे, और उसमें हम लोग को चोट आई थी। मुझे लगता है कि पूरी साजिश थी अपने नेता, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव को जान से मारने की, इसलिए पुरजोर लोकतंत्र में हम लोग विरोध करते हैं। बिल पास वाला में क्या लगता है कितना सफल हो पाएगा ये आपका अभियान? ये सफल तो पूरा बिहार में आपके मीडिया के लोग दिखा रहे हैं कि सफल तो है ही ना। पिछले बार भी जो परसों हम लोग कमी सरकार के विरुद्ध हम लोग का सफल रहा। ये नरभक्षी सरकार है, ये सरकार को शर्म नाम की चीज़ नहीं है। जिस तरह दलित महिलाओं विधायकों के साथ विधानसभा में चीरहरण किया गया, अब हमें नहीं लगता कि ये सरकार की थोड़ा सा नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इन्हें इस्तीफा देनी चाहिए।
स्वतंत्र का हत्या करने का काम नीतीश कुमार ने किया है, जो आज तक आज़ादी के बाद कभी भी विधानसभा में पुलिसों को नहीं घुसाया गया था, आज पुलिसिया जुर्म करके जनप्रतिनिधियों को मारा गया। पुलिस के विरुद्ध में अपना पास कराने के लिए उन्होंने लाठी डंडा चलवाने का काम किया और प्रयोग करने का काम किया। कहा जा रहा है कि यह आज़ादी के वक्त से और आज तक में कभी ऐसा नहीं हुआ, तो पूछिए नीतीश कुमार जी से कि 1986 में वो विधायक थे, प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी थे, तो 72 घंटे तक जो है विधानसभा को जाम क्यों रखा गया था, अध्यक्ष को जो है घुसने नहीं दिया गया था, उस दिन जो क्यों नहीं जो है लाठीचार्ज हुआ था, और आज कह रहे हैं कि यह अन्याय हुआ है। अन्याय तो वो करने का काम कर रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी, जो 3 नंबर की पार्टी है और जो है बौखला चुके हैं, जिसके कारण कि आज वह उतारू हो चुके हैं। महिलाओं का जो है चीरहरण किया गया, महिला विधायकों की साड़ी खींची गई, उनके ब्लाउज फाड़े गए। ये बेशर्म सरकार या निकम्मा सरकार को हटाने के लिए श्री तेजस्वी यादव जी ने आह्वान किया है। पूरे बिहार आज बंद है और बंदी के लिए सभी लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। तो देख लिया आपने कि किस तरह से विरोध हो रहा है पटना की सड़क पर, पटना में और साथ ही साथ पूरे बिहार में आरजेडी का तो जबरदस्त हंगामा है, हंगामा जबरदस्त है। सड़कें भी बंद हो गई हैं, सड़कों पर यातायात ठप हो गया है और रेल यातायात भी ठप है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और आगे भी जो तस्वीरें आएगी दिखाते रहेंगे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।